हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्न विथ रोहित पे। आज हम लोग इस क्लास में याद करने वाले हैं इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं उन सभी जानवरों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है पेट्स एनिमल नेम इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी पालतू जानवरों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। सबसे पहला है कैमल। क्या पढ़ेंगे इसको? कैमल। कैमल का मतलब होता है ऊँट। ऊंट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैमल। सेकेंड है डॉग। डॉग को क्या बोलते हैं? कुत्ता। आस, आसमिस का होता है गधा। आसमिस होता है गधा। नेक्स्ट है हमारा मंकी। मंकी का हिंदी क्या होता है? बंदर। कैट, कैट का क्या मतलब होता है? बिल्ली। बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। एलिफेंट, एलिफेंट का क्या मतलब होता है? हाथी। एलिफेंट मीन्स हाथी। नेक्स्ट है रैबिट। रैबिट मीन्स खरगोश। रैबिट मीन्स खरगोश। टर्टल, टर्टल, टर्टल का मतलब होता है कछुआ। कछुआ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्टल। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। हॉर्स मीन्स घोड़ा। अगला जो टॉपिक है वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों का नाम हिंदी और इंग्लिश में। तो देखते हैं आगे क्या है। पाइथन। क्या पढ़ेंगे इसको? पाइथन। पाइथन का मतलब होता है अजगर। अजगर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पाइथन। स्क्वायरल, स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी। गोरिल्ला, गोरिल्ला मीन्स गोरिल्ला। गोरिल्ला को भी हिंदी में गोरिल्ला ही बोलते हैं और इंग्लिश में गोरिल्ला ही बोलते हैं। वाइल्ड डॉग्स मतलब, वाइल्ड डॉग्स मतलब जंगली कुत्ता। जिराफ, जिराफ का मतलब होता है जिराफ। जिराफ को हिंदी में भी जिराफ ही कहते हैं और इंग्लिश में भी जिराफ ही करते हैं कहते हैं। हिप्पोपोटेमस का मतलब होता है दरियाई घोड़ा। नेक्स्ट है रेंडियर। रेंडियर का मतलब होता है बारहसिंगा। बारहसिंगा का इंग्लिश क्या होता है? रेंडियर। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। लायन, लायन मीन्स शेर। डियर, डियर का मतलब होता है हिरन। डियर का मतलब होता है हिरन। अगला जो टॉपिक है हमारा सी एनिमल्स यानी समुद्री जानवरों का नाम। तो चलिए देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में। टर्टल, टर्टल का मतलब होता है कछुआ। टर्टल का मतलब होता है कछुआ। नेक्स्ट है लॉबस्टर। लॉबस्टर का मतलब होता है झींगा मछली। लॉबस्टर का मतलब होता है झींगा मछली। फिश, फिश का भी मतलब होता है मछली। फिश का मतलब होता है मछली। नेक्स्ट है सी टर्टल मतलब समुद्री कछुआ। सी टर्टल मतलब, सी टर्टल मतलब समुद्री कछुआ। शार्क, शार्क का मतलब होता है शार्क मछली। शार्क का मतलब होता है शार्क मछली। फेंगुइन, फेंगुइन का मतलब होता है समुद्री बगुला। समुद्री बगुला। पेलिकन, पेलिकन का मतलब होता है हवा सील। पेलिकन का मतलब होता है हवा सील। नेक्स्ट है क्रैब। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। केकड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रैब। डॉल्फिन, डॉल्फिन का मतलब होता है डॉल्फिन मछली। शार्क, शार्क का मतलब होता है शार्क मछली ही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शाकाहारी जानवरों के नाम। शाकाहारी जानवरों के नाम, वैसे जानवर जो मांस नहीं खाते हैं उन्हें शाकाहारी जानवर कहा जाता है। शीप, शीप का मतलब होता है भेड़। डियर, डियर मतलब हिरन। कैमल, कैमल मीन्स ऊँट। कैमल मीन्स ऊंट। कंगारू, कंगारू मीन्स कंगारू।
कंगारू, कंगारू का मतलब ही होता है कंगारू। बुफैलो, बुफैलो मीन्स भैंस। गोट, गोट मीन्स बकरी, गोट मीन्स बकरी। ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है बैल, ऑक्स मीन्स बैल। जिराफ, जिराफ मीन्स जिराफ। हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। ये जितने भी जानवर है वो शाकाहारी ही जानवर है। कंगारू, कंगारू मीन्स कंगारू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मांसाहारी जानवर के नाम हिंदी और इंग्लिश में, वैसे जानवर जो मांस खाते हैं। लायन, लायन मीन्स शेर। उल्फ, उल्फ मीन्स भेड़िया। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। पोलर बियर, पोलर बियर का मतलब होता है ध्रुवीय भालू। जागुअर मतलब जागुआर, जागुअर मीन्स जागुआर। टाइगर, टाइगर मीन्स बाघ। नेक्स्ट है बिल्ली, बिल्ली का मतलब होता है कैट, बिल्ली मतलब कैट। कोक्रोडाइल, कोक्रोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। लिजार्ड, लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली, लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली। जैकल, जैकल मीन्स सियार, जैकल मीन्स सियार। नेक्स्ट टॉपिक है सर्वाहारी जानवरों के नाम हिंदी और अंग्रेजी में, यानी वैसे जानवर जो मांस भी खाते हैं और मांस नहीं भी खाते हैं, जो दोनों खाते हैं, वैसे शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, वैसे जानवरों को सर्वाहारी कहते हैं। बियर, बियर मीन्स भालू। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। जैकल मीन्स सियार। फॉक्स मीन्स लोमड़ी, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। कैट, कैट मीन्स बिल्ली। मैन मीन्स आदमी। यदि आप सभी चाहते हैं इस यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो देखें तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।